बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज लेक्चर। टुडे वी विल सॉल्व कंप्यूटर वर्कशीट नंबर 12 to 16। और फर्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर एथिक्स। Computer ethics deals with the procedure, values and practices that govern the process of consuming computer technology and its related disciplines without damaging or violating the moral values and beliefs of any individual, organization or entity. Computer ethics basically वो rules होते हैं जो set किए जाते हैं users के लिए, ताकि वो जब computer को use करें या internet को use करें तो उन rules को follow करें। जब भी आपने internet को use करना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी individual को या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को यूज ना कर रहे हो या उनके जो रूल्स हैं उनको वायलेट ना कर रहे हो, तो इनको हम कहते हैं कंप्यूटर एथिक्स। नाउ वी विल सॉल्व द वर्कशीट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर वन, रेफर्स टू द वैल्यूज एंड वन नीड टू फॉलो वाइल यूजिंग द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। जब आप कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं तो जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स आपके लिए बनाए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम नेटिकेट कहते हैं। नंबर टू, डैश आर कॉमन मीन्स ऑफ ट्रैकिंग आवर ऑनलाइन बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। हमारे ऑनलाइन बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए जो चीज़ यूज करी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कुकीज कहते हैं। नंबर थ्री, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट फाइल दैट अ वेबसाइट प्लेसेस ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू विजिट द साइट। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट फाइल है जो वेबसाइट पेश करती है आपके कंप्यूटर पे जब आप उस वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो इनको हम कहते हैं कुकीज। नंबर फोर, डैश आर वेरी स्मॉल ग्राफिक्स यूजुअली इनविजिबल टू द यूजर प्लेस इन वेब पेजेस और ईमेल मैसेजेस। ये बहुत स्मॉल ग्राफिक्स होती हैं जो यूजुअली जो यूजर होते हैं उनको नजर नहीं आती, और ये प्लेस की जाती हैं आपके वेब पेजेस और ईमेल मैसेजेस में, तो इन ग्राफिक्स को हम कहते हैं वेब बग्स। नंबर फाइव, सॉफ्टवेयर डैट सिक्योरिटी कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स इज नोन एज। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर को हम एडवेयर कहते हैं। नंबर सिक्स, डैश रेफर्स द प्रोटेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर्स इंटरनेट अकाउंट एंड फाइल्स फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड बाय एन अननोन यूजर। ये कंप्यूटर की प्रोटेक्शन को कहा जाता है, जो आपके अकाउंट और फाइल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कि कोई फॉरेन यूजर उनको यूज ना कर सके, तो इसको हम कहते हैं पासवर्ड। नंबर सेवन, डैश इज अ प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस डैट फिल्टर्स द इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू द इंटरनेट इनटू योर कंप्यूटर। ये एक प्रोग्राम या फिर हार्डवेयर डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में आ रही होती है इंटरनेट से, उसको ये फिल्टर करके अलाउ करता है आपके कंप्यूटर में आने में, और इसको हम कहते हैं फायरवॉल। नंबर एट, डैश इज अ प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट एनी वायरसेस और वॉर्म्स ट्राइंग टू इन्फेक्ट योर कंप्यूटर। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो डिटेक्ट करता है उन वायरसेस को और वॉर्म्स को जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं एंटी वायरस। नंबर नाइन, डैश प्रोग्राम हैव बिल्ट इन एंटी स्पाइवेयर प्रोग्राम विद इन इट। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर बिल्ट इन एंटी स्पाइवेयर प्रोग्राम होता है जो वायरसेस और वॉर्म्स को डिटेक्ट करता है, तो इस प्रोग्राम को हम कहते हैं एंटीवायरस। नंबर टेन, डैश डिवाइस इज यूज टू बैकअप्स ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। ये एक ऐसे डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है इम्पोर्टेंट फाइल्स को बैकअप करने के लिए आपके कंप्यूटर में, तो इसको हम कहते हैं स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेक्स्ट विद द मिसिंग वर्ड्स। यहाँ पे आपको एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको नीचे दी गई ब्लैंक्स में आपने फिल करना है,
Number one, a computer is made up of a case which houses several important components. Computer एक case से बना हुआ होता है जिसके अंदर different components मौजूद होते हैं. तो वो कौन से components मौजूद होते हैं? वो CPU के components मौजूद होते हैं. And provides places to connect the dash components. और उसके अंदर उन components को आपस में connect किया जाता है. उन components को हम external components कहते हैं. Number two, dash connects outlet power which is alternating current to direct current. ये चीज outlet power convert करता है alternating current को direct current में. उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं. विच इज रिक्वायर्ड बाय, सो इट इज रिक्वायर्ड बाय CPU. नंबर थ्री, डैश एज अ नेम इंडिकेट्स, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पीस ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के सेंटर इलेक्ट्रॉनिक पीस को क्या कहते हैं? तो उसको हम पावर सप्लाई यूनिट कहते हैं. एवरीथिंग एल्स कनेक्ट्स टू, और ये सब कनेक्ट करता है मदर बोर्ड पे. नंबर फोर, डैश द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मोस्ट एक्चुअल कंप्यूटेशन टेक्स प्लेस हेयर. कंप्यूटर के ब्रेन को हम क्या कहते हैं? और तमाम जो कंप्यूटेशंस हैं वो इसके अंदर ही सॉल्व होती हैं. तो कंप्यूटर के ब्रेन को हम CPU कहते हैं. नंबर फाइव, द शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर यूज बाय. कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम RAM कहते हैं. बाय द डैश टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा अपॉन विच इट इज करंटली ऑपरेटिंग. और इसको करंटली ऑपरेट किया जा रहा होता है तो इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. नंबर सिक्स, डाटा इन डैश इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज पावर ऑफ. जब आप कंप्यूटर को पावर ऑफ कर देंगे तो जो डाटा है डिलीट हो जाएगा. वो डाटा उस वक्त कहाँ पे मौजूद होता है? तो वो डाटा उस वक्त मेन मेमोरी में मौजूद होता है. नंबर सेवन ऑन पेज नंबर 14 इज स्किप्ड. सो नेक्स्ट वर्कशीट बिलोंग टू द टॉपिक ऑफ MS पेंट. फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ MS पेंट. MS पेंट का मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप कंप्यूटर पे पेंटिंग कर सकते हैं, कोई ड्राइंग बना सकते हैं. इसमें आपको जो दरमियान में वाइट पेज नज़र आ रहा है ये वो पेपर है या वो पेज है जिसके आप ऊपर आप पेंटिंग करेंगे. इसके ऊपर ये जो रिबन आपको पूरा नज़र आ रहा है इसमें डिफरेंट टूल्स प्रेजेंट हैं जिसके ज़रिए आपने पेंटिंग्स करनी है. जैसे कि पेंसिल, रेज़र, शेप्स के लिए डिफरेंट शेप्स मौजूद हैं, कलर्स मौजूद हैं, ब्रश मौजूद हैं. उसके अलावा जो सबसे ऊपर ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं टाइटल बार. इसमें आपने उस फाइल का जो भी नेम रखा होगा आपको वो नज़र आएगा. नेक्स्ट पिक्चर में आपको कुछ टूल्स के बारे में बताते हैं. तो जो लाइंस वगैरह पेंसिल्स वगैरह यूज़ करते हैं आप पेंटिंग में किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए वो होते हैं लाइन टूल, पेन टूल, पेंसिल टूल, ब्रश टूल, टेक्स्ट टूल के ज़रिए आप कोई चीज़ लिख सकते हैं. उसके अलावा शेप के लिए भी बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जैसे ओवल टूल, रेक्टेंगल टूल, सर्कल टूल. अगर आपने किसी चीज़ को इरेज करना है तो उसके लिए इरेजर टूल है. अगर आपने पेंट करना है, कलर करना है तो उसके लिए पेंट बकेट टूल मौजूद है. क्वेश्चन नंबर वन, चूज द करेक्ट आंसर्स. टू ड्रॉ अ सर्कल वी यूज द लाइन टूल और ओवल टूल. एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आप कौन से टूल यूज करते हैं? तो उसके लिए हम ओवल टूल यूज करते हैं. आंसर इज बी पार्ट. एंटर की इज यूज टू. एंटर की को हम क्यों यूज करते हैं? नेक्स्ट लाइन पे जंप करने के लिए या किसी लेटर को डिलीट करने के लिए. तो इसको हम यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन में जंप करने के लिए. आंसर इज ए पार्ट. नंबर थ्री, टू इरेज समथिंग इन पेंट वी यूज. पेंट में किसी चीज को इरेज करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं? तो इसके लिए हम इरेजर यूज करते हैं. इट्स आंसर इज ए पार्ट. नंबर फोर, नोट पैड इज अ प्रोग्राम और गेम. नोट पैड एक प्रोग्राम है, ये गेम है. सो नोट पैड एक प्रोग्राम है. इट्स आंसर इज ए. नंबर फाइव, द पार्ट ऑफ द नोट पैड विंडो विच शोज द फाइल नेम इज. नोट पैड विंडो में आपको फाइल का नेम कहाँ पे शो होता है? तो फाइल का नेम आपको टाइटल बार में शो होता है. इट्स आंसर इज बी पार्ट. नेक्स्ट
Next question, write T for sure, F for false in the space provided. Number 1, paint window has a cooking palette. Paint window mein a cooking palette hoti hai. Its answer is true. Number 2, you can draw an oval using a triangle tool. Ek triangle tool ko aap use karke oval shape draw kar sakte hain. Its answer is false. Number 3, the point program is used to do calculations. Point program ko use kiya jata hai calculations karne ke liye. Its answer is false. Number 4, the point screen has 4 main parts. के पॉइंट स्क्रीन के 4 मेन पार्ट्स होते हैं. सो इट्स आंसर इज ट्रू. नंबर 5, द शेप्स ग्रुप ऑन द रिबन हैज वेरियस शेप. के रिबन जो आपको शो होता है जिसमें शेप्स ग्रुप लिखा होता है, उन शेप्स ग्रुप में डिफरेंट शेप्स मौजूद होती हैं. सो इट्स आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज दी गई हैं, आपने उनको उनके फंक्शन से मैच करना है. नंबर 1, ओपन अ न्यू फाइल. एक न्यू फाइल को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की आप यूज करते हैं वो है Ctrl+N. नंबर 2, ओपन अ सेव फाइल. एक सेव फाइल को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की आप यूज करते हैं वो है Ctrl+O. नंबर 3, सेव अ फाइल. एक सेव फाइल को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट की आप यूज करते हैं वो है Ctrl+S. क्लोज नोट पैड. एक नोट पैड को क्लोज करने के लिए जो शॉर्टकट की आप यूज करते हैं वो है Ctrl+F4. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने नीचे दी गई ब्लैंक्स में प्लेस करना है. नंबर 1, टू डैश क्विकली प्रेस द लेफ्ट बटन ट्वाइस. जब हम माउस का लेफ्ट बटन दो दफा प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे डबल क्लिक होता है. नंबर 2, वो यूज अ डैश टू टाइप. तो टाइपिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक कीबोर्ड. नंबर 3, डैश इज अ कंप्यूटर डैट वी कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऐसे कंप्यूटर को जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं उसको हम कहते हैं लैपटॉप. नंबर 4, द डैश व्हील इज बिटवीन द टू बटन्स ऑफ अ माउस. माउस के बटन्स के दरमियान जो व्हील प्रेजेंट होता है उसको हम स्क्रॉल कहते हैं. नंबर 5, अ कंप्यूटर हैज डैश मेन पार्ट्स. तो एक कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं. नंबर 6, डेस्कटॉप कंप्यूटर गेट्स इट्स नेम बिकॉज इट इज कैप्ट ऑन अ डैश. डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसको डेस्क पे प्लेस करते हैं. नंबर 7, द एरो ऑन द स्क्रीन इज नोन एज. जो स्क्रीन पे आपको एरो नजर आता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं. नंबर 8, अ कीबोर्ड हैज मैनी बटन एज. जो कीबोर्ड के बटन्स होते हैं उनको हम कीज कहते हैं. नंबर 9, डैश मेक आवर वर्क इजियर. तो हमारा काम क्या कौन आसान बनाते हैं, हमारे काम मशीन्स आसान बनाती हैं. नंबर 10, कंप्यूटर्स नीड डैश टू डिसाइड व्हाट टू डू. तो कंप्यूटर को क्या काम करना है, इसको इसके लिए ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत होती है जो इसको बताते हैं कि उसने क्या काम करना है. So students, I hope to see you in next lecture. Until then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.